डेटिंग ऐप पर दोस्ती कहीं आपके गले की फांस ना बन जाए, जरा संभल कर दोस्ती करिएगा। इसे हम नहीं कह रहे बल्कि गुरुग्राम पुलिस बता रही है कि कैसे एक व्यक्ति को डेटिंग ऐप पर दोस्ती करना भारी पड़ गया। एसीपी कविता की माने तो 10 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने थाना डीएलएफ में शिकायत दी कि 1 अक्टूबर को डेटिंग ऐप के माध्यम से साक्षी उर्फ पायल ने उसको फोन करके सेक्टर 47 की डॉकयार्ड बार के पास मिलने बुलाया। मुलाकात होने के बाद वह शराब लेकर घर आ गए, जहां पर लड़की ने उसको बर्फ लाने के बहाने से किचन में भेज दिया और पीछे से उसकी शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने के बाद वह बेहोश हो गया और साक्षी उर्फ पायल उसके घर से गोल्ड चेन, मोबाइल फोन व 10,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गई। कुछ समय बाद उसके HDFC बैंक डेबिट कार्ड से 1,00,000 रुपए, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 1,22,000 रुपए व सिटी बैंक कार्ड से 56,000 रुपए निकालने का मैसेज मिला। नशीले पदार्थ का असर इतना ज्यादा था कि उसको 2 दिन बाद होश आया और कई दिनों तक उस नशीले पदार्थ का असर रहा। ये जो है गुरुग्राम पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि आज हमने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लगातार बहुत सारे लोगों के साथ जो है डेटिंग ऐप की सहायता से फ्रॉड कर रहा था। इसमें इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो 10 जो है अक्टूबर को हमें एक शिकायत मिली सेक्टर 29 थाने में कि कोई जो भी कंप्लेनेंट था उसने बताया कि वो डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी लड़की से मिला था और जिसने अपना नाम जो है साक्षी आलियाज पायल बताया था, और उन जैसे ही उनकी बातचीत डेटिंग ऐप पे हुई उसके बाद उन्होंने मिलने के लिए प्लान बनाया और साथ में जो है लिकर का भी उन्होंने कंज्यूम करने का प्लान बनाया। तो जब वो दोनों साथ घर में पहुंचे तो वो किसी बहाने से जो है उसने लड़के को अंदर किचन में भेज दिया और इस दौरान उसने उसके जो ड्रिंक थी उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला दिया जिसको पीने के बाद वो बेहोश हो गया। और इस दौरान उस लड़की ने जो है उसके सोने की उसने चेन पहनी हुई थी, उसके पास जो फ़ोन था, उसका जो कैश था, प्लस जो है उसका ATM कार्ड था, वो सब वो लेके चली गई। उस आदमी को 2 दिन तक तो होश ही नहीं आया। तीसरे दिन जब उसको होश आया तो उसने देखा कि ये चीज़ उसकी गायब है। उसके बाद जैसे ही ये शिकायत हमें पुलिस स्टेशन में मिली तो हमने जो है एक संयुक्त टीम गठित करी जिसमें हमारी साइबर हेल्प और साइबर टीम और क्राइम यूनिट्स की हेल्प लेते हुए हमने इस लड़की को जो है 12 तारीख को गिरफ्तार किया। ड्यूरिंग जो इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन उसने इस तरह की और भी बहुत सारी वारदातों का जिक्र किया, जिसमें से पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 10 इसी तरह की वारदात की डेटिंग ऐप के माध्यम से वो मिली और फिर उनको फिजिकली मिलने के लिए बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने इसी तरह से नशीला पदार्थ खिला के जो है उनके साथ जो भी उनका सामान था वो लूट पार करके चली गई।